हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एल्युमिनियम प्लेट में होल कैसे करें या एल्युमिनियम किसी भी चीज़ में होल कैसे कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एल्युमिनियम प्लेट दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि एल्युमिनियम प्लेट है और इसमें पहले से इधर इस साइड दो होल हुआ है और इधर भी दो होल हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यह एल्युमिनियम का प्लेट है, काफ़ी मोटा है। आप देख सकते हैं इसकी मोटाई को भी, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी मोटा है। तो एल्युमिनियम में आप जो है कि कील और हथौड़ी की भी सहायता से जो है कि आप होल कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आप कील लगा के हथौड़ी से ऊपर प्रहार करेंगे तो इसका आकार बदल जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यह बहुत ही नरम धातु होता है और इसमें होल करना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी प्रकार से होल कर सकते हैं, जैसे ड्रिल मशीन हुआ, स्क्रू ड्राइवर हुआ और हथौड़ी और कील की सहायता से। तो आप किसी भी प्रकार से हैमर मशीन से चाहेंगे तो भी आप इसमें होल कर लेंगे, और ड्रिल मशीन से चाहेंगे तो भी आप होल कर लेंगे, और हैमर मशीन और ड्रिल मशीन से आप किसी भी बिट से इसको होल कर सकते हैं। चाहे वो दीवार छेदने का बिट हो, चाहे लकड़ी का बिट हो, आप किसी भी बिट से जो है कि इसमें होल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें जो है कि स्क्रू ड्राइवर से यानी पेचकस से होल करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो है कि माइनस प्लस दोनों साइड वाला पेचकस है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस वाले भाग में कोई भी होल नहीं है। तो यहाँ हम जो है कि एक यहाँ डॉट लगाते हैं और यहीं होल करेंगे। तो होल करने के लिए बस एक ही जगह पे हमें गोल गोल घुमाना है। और आप देख सकते हैं कि यह एल्युमिनियम कटना यहाँ से शुरू हो चुका है और जो है कि यहाँ जो है कि हम थोड़ा सा प्रेशर लगा के होल करना शुरू कर देते हैं और इसको गोल गोल घुमाना है थोड़ा सा दबाव बना के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ होल हमारा कटना शुरू हो चुका है और जो है कि यह होल कटना शुरू हो चुका है, होल कट भी रहा है लगभग। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ गहराई तक हमारा होल जा भी चुका है अंदर तक। और जो है कि इसी प्रकार से हम इसको कुछ समय तक इसी प्रकार से गोल गोल घुमाएंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ एल्युमिनियम यह जो है कि टुकड़े टुकड़े होके कट रहे हैं और लगभग इस प्लेट में नियर अबाउट 40% होल हो चुका है और 60% और बचा हुआ है। तो इसको हम जल्द से जल्द होल कर लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा एल्युमिनियम कटता जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा बारीक होके निकलता जा रहा है और इस साइड अभी कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़े टाइम तक इसको हम और घुमा लेते हैं। और इसको आप जितना ही फास्ट घुमाएंगे उतना ही फास्ट इसमें होल हो जाएगा। तो मैं अभी धीरे धीरे घुमा रहा था, अब थोड़ा इसका स्पीड बढ़ा चुका हूँ और फास्ट कर दिया हूँ। और जो है कि अब इसको हम फास्ट तरीके से होल कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का उभरा हुआ दिख रहा है। अब लगभग हमारा होल 70% हो चुका है और जल्द से जल्द ही हम पूरे होल को तैयार कर लेंगे, जो कि हमारा होल अब धीरे धीरे खुलने के कगार पे है। और यहाँ जो है कि हमारा होल धीरे धीरे अब खुल चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमारा होल हो चुका है। और होने के बाद इसके ऊपर के बारीक को हम साफ कर लेते हैं और इस पर आप फाइल भी कर सकते हैं, यानी फाइल से घिस के से साफ कर सकते हैं। बाकी इसको अभी हम साइड में दबा देते हैं और जो है कि इसको हम
कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम प्लेट में बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से होल हो चुका है। और इस पे अगर आप हम फाइल इस पे जो है कि कर देंगे तो यह जो है कि होल एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। जो ये बारियां उभरी हुई हैं ये एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगी और जो है कि यह खुरदुरा नहीं समझ में आएगा। और आप यह देख सकते हैं कि यह पुराना प्लेट है फिर भी नया कैसे चमक रहा है। तो अगर आप एल्युमिनियम प्लेट को या एल्युमिनियम के किसी भी सामान में होल करना चाहते हैं तो आप स्क्रू ड्राइवर या कील या फिर जो है कि हैमर से या फिर ड्रिल से होल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पुराने एल्युमिनियम के सामान को नए तरीके से एकदम चमकाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ एक वीडियो डाल रहा हूँ इंड स्क्रीन पे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि एल्युमिनियम को नए तरीके से कैसे चमकाया जा सकता है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो का एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।